जी चोट लगी साहब, मैं एक बार पुल के सीढ़ियों से घिसल पड़ा साहब, लेकिन मैं अपने घर पर ही जा करके मैंने अपना इलाज किया साहब। मैं 20 दिन पड़ा रहा साहब, पैर में चोट आ गई थी यहाँ, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। करेगा कौन, कौन है? कोई नहीं है कुलिया का, कोई नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल जी कि इन कुलियों की हमदर्दी के लिए पूरा पूरा सहयोग दें। और एक मैं ये बात कहता हूँ, कुली हर कुली के अंदर एक कुली अपने एक बच्चे का कुली के अंदर नौकर बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हम भी काला कोट पहनना चाहते हैं। काला कोट भाइयों, रो रो कर आवाज कह रहा हूं, हम भी रेलवे के काला कोट पहनना चाहते हैं। कुली का एक बच्चा रेलवे के अंदर काला कोट पहनना चाहता है, और वो भी एक झोपड़ी में रहना चाहता है। कुली को भी एक बार मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि एक बार एक काला कोट पहना दो और एक झोपड़ी में रहना, टीवी भी देख ले कुली, कुली का बच्चा। तो ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुली के साथ एक अच्छा वार्तालाप हो जाए। और तो खैर सारी समस्याएं मेरे भाइयों ने बताई है, भाइयों ने भी अच्छी बताई है, लेकिन कुली का पूरा ध्यान रखते हुए यात्री का संबंध कुली के साथ अच्छा है और अच्छा रहेगा और अच्छा करते रहेंगे। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कुली की थोड़ी सी एक बच्चा सर्विसमैन हो जाए तो अच्छा है साहब। कुली का फिर से मैं दोबारा एक बार अनुरोध करता हूँ कि कुली का बच्चा काला कोट पहन के निकले तो मैं ये भी राह याद रखा कि मेरा बाप कुलीगिरी कर गया था नई दिल्ली में, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस साइड पे वापस आते सबको, ये हमारे गैंगमैन, आप वहीं से वहीं पे रह करके बोलिए, उधर से ही बोलिए। हेलो, परम आदरणीय युवा तुर्क के नेता भाई राहुल गांधी जी का हम रेल कर्मचारी तथा यूआरएमयू की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ अभिभावक तुल बीसी शर्मा का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में एक गैंगमैन पोस्ट होता है, जिसको आजकल सुधार के रूप में ट्रैकमैन कहा जाता है। उसके साथ जो रेलवे के द्वारा बर्ताव किया जाता है, उसकी जो समस्याएं हैं, मैं अपने भाई राहुल गांधी जी के सामने रखना चाहता हूं। आशा करता हूं कि हमारी समस्याओं को सुनकर हमारी दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। पहली समस्या है, जितने भी हमारे यहाँ रेल कर्मचारी हैं, सब कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन हमारी ड्यूटी जो होती है 8 घंटे के बजाय 11 घंटे होती है। 2 वैकेशन में होती है, समर वैकेशन और विंटर वैकेशन में। जारे की ऋतु में जो होता है ड्यूटी हमारा 8 बजे से संध्या 5 बजे तक, जिसमें हमारा 9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें 1 घंटे का लंच हमारा अपना जाता है और कर्मचारियों का लंच जो होता है उसी में होता है, 8 घंटे के अंदर ही होता है। और गर्मी ऋतु में जो होता है हमारा ड्यूटी 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होती है, और 7 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हमारी जो घंटे होते हैं 11 घंटे हो जाते हैं, और 3 घंटे ड्यूटी हमारी 8 घंटे की ही मान्य होती है। 3 घंटे जो होता है हमारा लंच का समय दिया जाता है रेलवे की तरफ से, जो 3 घंटे का समय हमको साइट पर ही बिताना पड़ता है, उस साइट को छोड़कर हम अन्यथा किसी दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। और 3 घंटे का समय जो हम धूप में रहते हैं, हमारा ड्यूटी जो होता है एक धूप में होता है, रेल के पटरी के साथ हमारा संबंध है, रेल के पटरियों पर हमारा काम करना पड़ता है। उसको आप उसका मेंटेनेंस करते हो आप? जी सर, मेंटेनेंस करते हो। जी सर, तो 3 घंटे का समय के ठहराव की ना व्यवस्था हमारे पास है कि हम कहाँ ठहरेंगे, रोटी गंदे में खाएंगे, सूखे में खाएंगे, कहाँ खाएंगे, रोटी खाने की भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ बैठो वहीं रोटी खाओ, हमारी मतलब कि मुख्य ये प्रमुख ये जो हमारे साथ लाचारी है व्यवस्था, जिसका रेलवे की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो आप मतलब पूरा दिन ट्रैक पे ही रहते हो? जी सर, ट्रैक पे ही रहता हूँ। और 3 घंटे का जो हमें अतिरिक्त समय लिया जाता है, उसका हमें रेलवे की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। अतिरिक्त जो भी पैसे उसे जो भी हमारी आर्थिक लाभ के लिए ही लोग नौकरी करता है, उसके लिए मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है। दूसरी समस्या ये है कि गैंग स्टाफ को प्रोन्नति का कोई अवसर नहीं है। गैंग में आए, गैंग जाप कितने पढ़े लिखे हैं उससे उसका कोई वास्ता रिश्ता नहीं है। आज के डेट में जो भी पढ़े सारे लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट एम ए आर एन के साथ
जो भी मजबूरियां हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी हो, उसके साथ मतलब गैंग में आए, अन्यथा आप गैंग से रिटायर हो जाओ। कोई वैकेंसी, डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है तो उसको भी आपको जो है सूचना नहीं मिल पाती है, या आपके साथ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार जो भी उसको कह दीजिए। अगर आपको ऐसा कभी मौका मिल गया आगे बढ़ने का, तो हमारे संबंधित अधिकारी जो हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं, आगे बढ़ने का कोई चांस देना ही नहीं चाहते, लगता है कि एक जेल है, काले पानी की सजा दी जा रही है गैंग कर्मचारियों को। आप गैंग में आए हो, गैंग से रिटायर हो जाओ, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तो सब कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है। आज हम रेलवे में छोटा वर्कर बन के आए हैं, तो यहाँ से हम बड़े बनकर भी जाने की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं। रेलवे को एक अच्छा से अच्छी सेवा देने का हम भरपूर अपनी तरफ से योगदान देने का आशा रखता हूँ, तो हमें भी सहयोग रेलवे की तरफ से मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपके सिर के ऊपर एक दीवार है? बिल्कुल सर, तोड़ नहीं पा रहे हो ना? तोड़ नहीं पा रहे हैं सर, तोड़ने की कोशिश की जाती है लेकिन बीच में ही कमर तोड़ जाती है। आपके साथ एप्लीकेशन दिया आपने, फॉरवर्ड नहीं कर दिया जाएगा। अगर कोई वैकेंसी आई तो उसको गुपचुप इस तरह रख दिया जाएगा कि आपको पता भी नहीं, जब छोटे कर्मचारी ज़्यादा आप पैर फैला के जाओगे कहाँ, ये भी समस्या हमारी है। तीसरी समस्या सर, वर्दी है हमारी, यही वर्दी है सर, ये शर्ट और ये पैंट। शर्ट को सर छू के जरा देखेंगे आप? सर दिखाओ। ये सर शर्ट है, ये गर्मी और ठंडे दोनों ऋतुओं का है सर। गर्मी ऋतु में इसको धूप में हमको काम करना पड़ता है सर, 11 घंटे हमको इस पे, इसमें क्या स्थिति होगा ट्रैकमैनों का, इसको सर आप समझ सकते और हैं। एक ही चलती है, एक ही चलती है सर, गर्मी और ठंडी दोनों वैकेशन में सर। तो एक सर जो शरीर के अगर ये आपको मिलती है या इसका भी आपको कपड़ा मिलता है? कपड़ा मिलता है सर, जो आपने सिलाते हैं सर, इसको जो मार्केट वैल्यू है सर सिलाई का, उसका कम मिलता है सर। और अच्छा, सर उन्होंने दोनों पहन रखी है, ये उन्होंने ये वाली नीचे पहन रखी और ऊपर पहन रखे, ये क्या है? तो सर दूसरी समस्या है सर कि आपको बताया कि लंच का जो समय हमारा होता है, अब सर धूप का, वर्षा का मौसम है, उस 3 घंटे के दरमियान या 1 घंटे के दरमियान हम कहीं अब कहाँ विश्राम करेंगे? विश्राम जो 3 घंटे का या हमें जो भी लंच खाने का समय मिलता है सर, उसके लिए कोई गैंग हट या कोई कमरा, कोई रूम की व्यवस्था होनी जहाँ हम बैठ कर अपने आराम से भोजन कर सकें, धूप की छाँव से बच सकें सर, ये हमारी समस्या। एक निश्चित दूरी पर गैंग हट या एक कोई भी व्यवस्था किया जाए, एक आसमान के नीचे छत दिया जाए सर, ताकि हम वहाँ सर अपना छिपा सकें, गर्मी वर्षा जो भी है सर। और गैंग स्टाफ का जो जितने भी ग्रुप डी वर्क कर्मचारी हैं हमारे, रेलवे कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गैंगमैन कर्मचारियों का है। पहले इनको अन्य कर्मचारियों से 100 रुपया या कितना अधिक मिलता था मुझे मालूम नहीं सर, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, पहले मिलता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है। तो श्रम के हिसाब से भी कुछ इनको ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता? जी सर बिल्कुल। आजकल हिंदुस्तान में मनरेगा है? जी सर। मतलब रोजगार का अधिकार? जी सर। कोई भी मतलब 100 दिन का रोजगार मांग सकता है, उसको वो अधिकार मिलता है? जी सर। जी सर। राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI, उससे सूचना का अधिकार मिलता है? जी। भोजन का अधिकार है, उससे भोजन का अधिकार मिलता है? जी। आप लोगों को क्या अधिकार मिलता है? हमारे पास तो सर, जहाँ जिस स्थिति में मैं अभी खड़ा हूँ, 40 किलो उठाते हो आप, एक शर्ट के साथ आगे पीछे घूमते हो पूरा दिन? जी सर। आपको क्या अधिकार मिल रहा है? हमारे कम पास से कम आपका क्या? हमारे जो सीनियर जो भी अधिकारी हैं, वो उनके हिसाब से, या जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं जो हमारे आज रिटायर की स्थिति में हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है सर कि आपको अधिकार कुछ नहीं है, सिर्फ रेल के साथ कर्तव्य करो, उनके साथ ड्यूटी का पालन करो, सिर्फ काम करो, अधिकार तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं? जी सर। पूरी जिंदगी इन्होंने 40-40 किलो उठाया है? जी सर। 50 उठाना पड़ता है? जी। चल रही है ये? आ रहा है ना? जी सर। हाँ। तो जब ये
जब इनको चोट लगती है जी सर, तो फिर इनका कोई कम से कम अधिकार नहीं होना चाहिए कि भैया स्वास्थ्य में इनकी मदद की जाए? बिल्कुल की जानी चाहिए, कम से कम तो होना चाहिए कि भाई जी सर। और सर हमारा जो काम करने का औजार है सर, जो जिससे हम ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं, उसका वजन सर करीब 40 किलो होता है सर। उस 40 किलो को कंधे पर 6 किलोमीटर तक सर हम लाद के ले जा सकते हैं। अब काम करेंगे सर कि उसका वजन शरीर सहेगा या ट्रैक का हम काम करेंगे सर। कैसा, कैसा औजार होता है वो? औजार सर एक बारी होता है सर, हाँ। जो लंबा होता है, लोहे का बना होता है। कितना वजन होता है सर? 18 किलो। 18 किलो सर। उससे करते क्या हो उसको सर? रेल को, पटरी को सर जो है ना उठाने का, अच्छा। उसके अंदर स्लीपर जो होता है उसको इधर उधर करने का, जो भी उसकी सब मरम्मती की जाती है सर। फिर एक गैती होता है सर, उसके साथ एक लकड़ी का लगा होता है, फिर और लोहे के साथ। फिर एक फरवा होता है सर, पंजी होता है, तसला होता है गिट्टी को इधर उधर करने के लिए। कुल मिलाकर उसका वजन 40 किलो सर। शरीर 40 किलो वजन सहेगा, 6 किलोमीटर उसको लेके जाना ले आना काम करेगा सर। ये भी हमारी एक प्रमुख समस्या है सर। लास्ट समस्या है सर छुट्टी। सीएल छुट्टी पहले सर 15 मिला करता था, अब सर वो छुट्टी 15 से 10 कर दिया गया। ये छुट्टी की भी कुछ समस्याएं हैं सर। मैं आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे समस्याओं को सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे, जहां तक संभव होगा आप उन्हें निवारण कोशिश करेंगे कम करें। धन्यवाद। इधर इधर इनको दीजिए, ये लीजिए। पहले तो मैं सभी कुली भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन हूँ कि हमारे बीच राहुल गांधी जी मौजूद हैं। और आज ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ।